अब हर खबर से रहिए बाखबर, देखिए खबरों की 2020 सिर्फ फिक्र खबर पर। कर्नाटक के बेंगलुरु में सेल्फी के चक्कर में बड़ा हादसा, सेल्फी लेते हुए नदी में गिरा तालिबे इल्म बचाने निकले दोस्त भी नदी में डूबे, तीनों की मौत। असम एनआरसी को लेकर एसडीपीआई ने बेंगलुरु में निकाली राजभवन चलो रैली, मरकजी हुकूमत से एनआरसी को रद्द करने का क्या मुतालबा, कहा एनआरसी के नाम पर आसाम के गरीब मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। हरियाणा में लश्कर तैयबा के फंड से मस्जिद तामीर करने के एनआईए के इल्ज़ाम के बाद दिफा के लिए सामने आए मकामी गैर मुस्लिम आवाम, एनआईए के इल्ज़ाम की सख्ती से की तरदीद, कहा अवामी चंदे से हो रही थी मस्जिद की तामीर, गैर मुस्लिमों के बयान के बाद एनआईए का झूठ हुआ बेनकाब। बीजेपी की वेबसाइट पर लगा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा है, कज ने गोवा बीजेपी का वेबसाइट हैक कर अंजाम दी वारदात, बीजेपी कारकुनान में मची खलबली। मुंबई में सड़क पर एक सूटकेस में मिली 20 साल मॉडल की लाश, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक कहा सुनी के बाद दोस्त ने कत्ल कर लाश को सूटकेस में डालकर फेंकने की कोशिश की, सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्त में आया मुलजिम। जम्मू में पंचायत इंतखाबात के चौथे और आखिरी मरहले की वोटिंग जारी, 24 बलदियाती हलकों के लिए 156 उम्मीदवार मैदान में, वोटिंग के चलते इलाके में सिक्योरिटी का कड़ा पहरा। मीटू मुहिम के तहत लगे इल्जामात पर एमजे अकबर के हत्या के इज्जत केस दर्ज किए जाने पर सहाफी खातून ने लड़ाई जारी रखने का किया ऐलान, कहा इंसाफ मिलने तक जारी रखेंगी लड़ाई, आज हो सकती है सुनवाई। एमजे अकबर ने खातून सहाफी के खिलाफ उतारी है 97 वकीलों की फौज। सतलुग आश्रम मामले में कसूरवार बाबा रामपाल पर आज कोर्ट सुनाएगी सजा, हंगामे के खदशे से छावनी में तब्दील हुआ हिसार, शहर में इम्तनाई अहकामात नाफिज। दिल्ली के 5-स्टार होटल में बीएसपी नेता के बेटे की गुंडागर्दी, सरेआम अपने एक दोस्त को पिस्तौल के जोर से धमकाया, दिल्ली पुलिस ने आर्म एक्ट के तहत दर्ज किया केस। राजस्थान के डोंगरपुर में एक बक्से से एक नौजवान की लाश मिलने से मची हड़कंप, नदी में तैरता हुआ बरामद हुआ था बक्सा, पुलिस कर रही है तहकीकात। सूरत में खाली फ्लैट से बरामद हुई एक 3 साल मासूम बच्चे की लाश, पुलिस के मुताबिक फ्लैट पर लगा हुआ था ताला, एक हफ्ते में मिलने वाली ये तीसरी लाश, जांच में मसरूफ पुलिस। मेरठ के शिवाया गांव में रॉकेट लॉन्चर जैसी चीज मिलने से अफरा तफरी, पुलिस ने मुश्तबा चीज को कब्जे में लिया, आर्मी एक्सपर्ट से कराई जा रही है जांच। पेट्रोल कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात के बाद भी पीएम मोदी लोगों को राहत दिलाने में रहे नाकाम, आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। झारखंड के धनबाद में नक्सलियों ने धमाके से उड़ाए ट्रेन की पटरियां, धनबाद से नई दिल्ली और गया की ट्रेन खिदमात भी मुतासिर। पेट्रोल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को बनाया निशाना, कहा इंतखाबात आते ही तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की मोदी जी को आती है याद, कहा मोदी हुकूमत ने तेल के दाम बढ़ाकर कमाए 13 लाख करोड़। बीजेपी युवा मोर्चा के कौमी कन्वेंशन के इनका के लिए वजारत दिफा ने दी फौज की जमीन, फौज के कई अफसरान इस पर जताया एतराज, जाँच का क्या मुतालबा, मामले पर कांग्रेस का सवाल, हिंदुस्तानी फौज कम से बन गई बीजेपी की इत्तेहादी। कश्मीर के पुलवामा में जंगजुओं ने सीआरपीएफ कैंप पर राइफल ग्रेनेड से किया हमला, हमले में 2 सीआरपीएफ अहलकार जख्मी, इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू। गाजियाबाद रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा, रेलवे क्रॉसिंग के दौरान ट्रेन की जद में आए 5 अफराद, एक की मौत, 4 की हालत नाजुक। इसराइली वजीर का गजा में एहतजाज करने वाले फलस्तीनियों के कत्लेआम की धमकी, गजा की सरहद पार करने वाले हर एक फलस्तीनी को गोली मारने का इसराइली फौज को दिया ऑर्डर। शाम में खाना जंगी के सब बंद की गई 2 गुजरगाहें खोली गई इसराइल शाम और उर्दून और शाम गुजरगाह खोले जाने से तिजारत को फरोग मिलने का इम्कान। देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्र खबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे।